नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलर्जी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको एलर्जी की समस्या है, दूध से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, या किसी खाने पीने की समस्या है, किसी खुशबू की एलर्जी की समस्या है, तो आज मैं आपको उसके एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एलर्जी में। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दें। मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एलर्जी। पहले ये जान लेते हैं कि एलर्जी होती क्या है। तो एलर्जी जो कि एलर्जेंट के कॉन्टेक्ट में आने से होती है, जैसे कि डस्ट एलर्जी होगी, धूल से एलर्जी है, किसी को अगर ज़्यादा धूल में रहते हैं उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको छींक के आना, आंखों से आंसू आना, पानी चढ़ना, तो ये समस्या हो सकती है। फिर या फिर उनको फूल की सुगंध से, मतलब खुशबू से उनको एलर्जी की समस्या है, या फिर किसी खाने पीने की चीज़ की समस्या रहती है, दूध से एलर्जी है, या फिर किसी दाल या फिर किसी हरी सब्जी या किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है उसको खाते हैं, मीन्स वो उनके लिए एलर्जेंट हो गया, जैसे उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको उसकी समस्या हो जाती है एलर्जी की। जैसे कि पतझड़ के दम पत्ते जड़ते हैं, मतलब फूल गिरते हैं, पोलन्स गिरते हैं, तो उनकी वजह से उनके कॉन्टेक्ट में आने से उनको ये समस्या हो सकती है। उसके मीन्स उस टाइम ये होता है कि हमारे छींकें ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी चलता है, आँखों से पानी आता है, गले में इरिटेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है कई बार, या फिर स्किन में इरिटेशन सी होती है, खुजली जैसी महसूस होती है, तो ये सारी समस्याएं एलर्जी के मतलब सिम्टम या एलर्जी के सिम्टम पाए जाते हैं अगर हम एलर्जेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिससे और हर पर्सन में अलग अलग होती है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को खाने की प्रॉब्लम से होती है, किसी को फूल की खुशबू से होती है, इन सभी समस्याओं से ये मतलब अर्जेंट जैसे एलर्जेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिस चीज़ से हमें एलर्जी की समस्या अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें ये समस्या हो सकती है, ये सिम्टम दिखाई देते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। केवल कुछ कंडीशन में देखा गया है कि उनकी फैमिली में पेरेंट्स को जो समस्या है, जिस एलर्जी की समस्या है, वो आगे उनके बच्चों में भी होती है और आगे उनके बच्चों में भी चली जाती है। और ये साथ में जो आज मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा काम करती है एलर्जी कंडीशन में, और उस मेडिसिन का नाम है R84, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। R84 जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है एलर्जी के लिए, ये किसी प्रकार की एलर्जी हो उसमें इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और एलर्जी कभी कभी लंबे समय तक रहती है तो वो दूसरी डिजीज़ का भी रूप ले लेती है कंडीशन, जैसे कि हमें डस्ट एलर्जी है किसी के काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो हमें अस्थमा भी हो सकता है, या फिर साइनसाइटिस या राइनाइटिस, ऐसी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं काफ़ी समय तक हमें ये समस्या रहे, तो ये जैसी ये डिजीज़ भी क्रिएट हो जाती है अगर लंबे समय तक इनको जल्दी इनकी रोकथाम ना करें। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एलर्जी में, किसी प्रकार की एलर्जी, और इसके ऊपर लिखा हुआ एलर्जी ड्रॉप R84 जो कि जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ये 30 ml की फाइल आती है, उसकी जो MRP है 255 है, 255 रुपये की आती है। और मैं आपको उसको अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसी दिखाई देती है। तो ये अंदर से ऐसे 30 ml की फाइल दिखाई देती है R84, जो कि बहुत अच्छी है एलर्जी के लिए। इसका जो कंपोजिशन है वो भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छी मेडिसिन डली हुई इस कंपोजिशन में, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट में। इसको लेना कैसे कि आपको इसके 2 चम्मच पानी में लेना है, 2 चम्मच पानी के लेने हैं, उसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डालनी है उस 2 चम्मच पानी में, दिन में 4 बार लेनी है, डिपेंड ऑन कंडीशन, कंडीशन पर डिपेंड है कितने टाइम की एलर्जी है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है आपको किस चीज़ से, तो उसको दिन में 4 से 5 बार लेना है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे वो कंडीशन कम होती जाएगी उसको दिन में 3 बार लेना, फिर जैसे जैसे कम, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे कर देना। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दिन में इसको 4 बार ही लेना है स्टार्टिंग में, 4 से 5 बार, 2 चम्मच पानी में 10 से 15 बूंदे लेनी है इसकी, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एलर्जी में, किसी प्रकार की एलर्जी हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है एलर्जी की समस्या, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसको आपने कम से कम 1 साल से 2 साल तक कंटिन्यूसली रखना है, एलर्जी की समस्या जल्दी ठीक नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, तो इसको ऐसे नहीं कि 1 महीना लिया या 2 महीने लेते हैं तो इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो आप किसी भी व्यक्ति में देख सकते हैं कि एलर्जी को वो मेडिसिन देते हैं दब जाती है और एलर्जी वापस आ जाती है। अगर आपको उसको जड़ से ख़त्म करना है तो इसको अच्छे इसका ट्रीटमेंट जो लंबा चलेगा, थोड़ा लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, मिनिमम 6 महीने रख लो, 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक कंटिन्यूसली रखे हुए, डिपेंड ऑन कंडीशन कि किसको कितनी एलर्जी की समस्या है, तो उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट लंबा रहता है थोड़ा। तो जो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना कि हो कि आप 1 महीना लें या 2 महीने लें कि आपकी एलर्जी ठीक नहीं हो रही, तो अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है इस समस्या को, तो इसका ट्रीटमेंट 6 महीने से लेके 1 या 1.5 या 2 साल तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, तो आपकी जो समस्या है एलर्जी को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको भी दबाना ना भूलें, और साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें। उससे यह होगा मैं जो भी आगे होम्योपैथी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो लेके आऊँगा वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।